नमस्कार दोस्तों, मैं रेमो मैकेनिक। आज की वीडियो में बजाज पल्सर 150 सीसी की बाइक आप देख सकते हैं मेरे पास। दोस्तों रिपेयर होने के लिए आई हुई है और आपको बता देते हैं, इस बाइक के अंदर इसका स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है। अगर आपकी बाइक का स्पीडोमीटर नहीं चलता है दोस्तों, तो उसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं? अगर मीटर केबल ख़राब है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो आप डिजिटल मीटर दे सकते हैं, जब हम व्हील को घुमाएंगे तो इसका स्पीडोमीटर शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है दोस्तों। तो इसका जो मीटर केबल है वो टूटा है, देख सकते हैं आप, इस करके इसका मीटर शो नहीं कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आपका मीटर केबल टूट जाए तो उसको आप वायर जोड़ भी सकते हैं, बट इसका हम स्पीडोमीटर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो इसका स्पीडोमीटर केबल का कपलर है उसको हम अलग कर लेंगे। अगर आपका स्पीडोमीटर वायर चेंज करना है तो सबसे पहले इस कपलर को बाहर को निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इस मीटर केबल को चेंज कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बजाज का मीटर केबल, जो कि दोस्तों ये टूटा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास बजाज पल्सर 150 सीसी का मीटर केबल है UG4। इसका पार्ट्स नंबर आप देख सकते हैं और इसका जो MRP है दोस्तों 164 रुपये इसका MRP है, बजाज पल्सर 150 UG4। तो अब हम इस स्पीडोमीटर को अनबॉक्स कर लेंगे। देख सकते हैं मीटर केबल, ये जो मीटर केबल है दोस्तों, इसको हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे फिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, आपका स्पीडोमीटर वायर टूटा नहीं है और आपका स्पीडोमीटर चल नहीं रहा दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इस कपलर में आपको ऐसे वायर लेना है। वायर को हम इसमें जो वायर लगा हुआ है, तीन वायर, उसमें हम शॉर्ट करेंगे। जब हम वायर को शॉर्ट करते हैं तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको मतलब ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, जैसे कि 30, 10, 4 इस हिसाब से शो करेगा। तो अगर आपका मीटर इस हिसाब से आप जब तार को शॉर्ट करते हो शो करता है, तो आप समझ जाओ इसका जो वायरिंग और कपलर है ये ओके, इसमें करंट आ रहा है। तो अगर ऐसे शो करता है तो आप समझ जाओ इसका स्पीडोमीटर केबल ख़राब है, या तो स्पीडोमीटर डब्बी में प्रॉब्लम है। तो अभी इसमें स्पीडोमीटर केबल में प्रॉब्लम है, तो हम इस कपलर को मीटर केबल में जोड़ देंगे। दोनों कपलर को जोड़ने के बाद दोस्तों जो वायरिंग है इसको हम हेडलाइट में अंदर फिक्स कर लेंगे, बैठा लेंगे, और इसके बाद हम जो वायर है इस वायर को पत्ती में लॉक कर लेना है। पत्ती में लॉक कर लेने के बाद मीटर केबल को, अब हम इस मीटर केबल को आउटर हुक में डाल लेना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। डाल लेने के बाद दोस्तों अब हम इसका रिमूव करेंगे, जो मीटर केबल टूटा था इसमें जो मीटर डब्बी है इसमें आपको पेच लगा मिलेगा एक, इस पेच को बाहर को रिमूव करें और जो मीटर केबल है इस केबल को बाहर को खींच लें। देख सकते हैं इस तरीके से खींचें और मीटर केबल बाहर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो जिस साइड पेच लगेगा उस पेच साइड को हम ऊपर साइड रखेंगे, जिस साइड से हमारा पेच लग जाए। तो इसमें आपको दो मॉडल मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों UG3 UG4। तो UG3 का अलग मीटर केबल है और UG4 का अलग है। आप देख सकते हैं मीटर केबल को हमने बैठा लिया। बैठा लेने के बाद दोस्तों अब हम जो पेच है पेच को कर लेंगे टाइट, कंप्लीट हो जाएगा बजाज पल्सर 150 का मीटर केबल लगा के। लगाने के बाद दोस्तों हम आपको एक बार चेक करा देते हैं। देख सकते हैं मीटर केबल को हमने फिटिंग कर दिया। अब हम व्हील को घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे इसका मीटर शो कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं जब हम व्हील को घुमा रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो शो कर रहा है। देख सकते हैं शो कर रहा है दोस्तों। तो आपने देखा इस वीडियो में
हमने आपको मीटर केबल अगर आपका ख़राब हो जाए तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर वायर आपकी मीटर केबल की टूट जाती है तो उसको आप जोड़ भी सकते हैं दोस्तों। तो बट हमने इसका मीटर केबल चेंज करना था, हमने आपको दिखाया कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अगर मीटर ना चले तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।